हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुरुकुल की ऑनलाइन क्लास में आप सबों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं छात्रगण। और आज पुनः संजय सर आप सबों के बीच में रीजनिंग के एक बहुत ही मस्त टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन। उसकी शानदार चर्चाएं करेंगे आपके साथ में और बहुत सारी बातें करेंगे और इस चैप्टर पर भी आपको मास्टर बनाएंगे। पूरे क्लासिफिकेशन के 3 प्रस्तुतिकरण आपके सामने करेंगे, 3 टाइप में चैप्टर को बयां करेंगे। देखिए पूरी कहानी क्या है छात्रगण चैप्टर का, वो आप अच्छी तरह से समझिए। चैप्टर है मेरा क्लासिफिकेशन टाइप 1 लेकर क्या है वर्ड क्लासिफिकेशन। आपको इसमें क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि 4 या 5 ऑप्शन होते हैं, जनरली तो 4 ही ऑप्शन होता है। 4 ऑप्शन में 3 बिल्कुल एक जैसे होंगे, एक उस ग्रुप में शामिल नहीं होगा। आप ऐसे ही इसको अलग कर सकते हैं कि भाई महिलाओं के ग्रुप में एक पुरुष बैठा हुआ है तो उस पुरुष को लात मार करके बाहर कर दीजिए। तो दैट इज द क्लासिफिकेशन, दैट इज द पार्ट ऑफ ए क्लासिफिकेशन, ऑड मैन आउट। अलग लैंग्वेज में अगर आप इसकी बातें करें तो इसको और भी कह सकते हैं ऑड मैन आउट। यहाँ पर से ऑड मैन आउट को हम लोग को बाहर करना होता है, यही इस पूरी क्लासिफिकेशन की कहानी है। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अभी तक आप जितना चैप्टर पढ़े हैं उसका सबसे डेंजर चैप्टर यही है, क्योंकि कुछ वर्ड इतने ज़बरदस्त इसमें होते हैं, कुछ ऐसे इतना भयानक कन्फ्यूजन आपसे कराएगा कि आपको बताया नहीं जा सकता है। आइए उन्हीं चीजों को देखने का यहां पे प्रयास करते हैं। लेट्स सी वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द वर्ड क्लासिफिकेशन। एग्जांपल क्वेश्चन कहता है कि हाथ, पहला ऑप्शन कहता है हाथ, दूसरा में कहता है कान, तीसरा में कहता है नाक और चौथा में कहता है आंख। आपसे पूछता है कि दिए गए इन 4 में से कौन इस ग्रुप में शामिल नहीं होगा छात्रगण। देखिए द वेरी फ्रैंक क्वेश्चंस ओवर हियर, हाथ कान नाक आंख, ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन इस ग्रुप में शामिल नहीं होगा। कितना बढ़िया क्वेश्चन बनकर के निकल के आएगा, देखेंगे क्या करना है। अब देखिए आपका दिमाग कहां कहां चल रहा है, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। चल कमान, कौन सा ऑप्शन होगा बताइए एकदम फटाक से। तो करेक्ट आंसर होगा छात्रगण इसका नाक। अब आप सवाल पूछेगा सर क्यों नाक अलग काहे हो गया। देखिए हाथों की संख्या कितनी होती है 2, कानों की संख्या कितनी होती है 2, आंखों की संख्या कितनी होती है 2, नाक की संख्या कितनी होती है 1। सभी सेंस ऑर्गन्स हैं, ये आप नहीं समझिएगा कि कान सेंस ऑर्गन है, नाक है, आंख है, हाथ भी है, हाथ में स्किन होता है ना, स्किन भी मेरा सेंस ऑर्गन्स है। तो छात्र देखिए वर्ड क्लासिफिकेशन कुछ ऐसे ही प्रश्नों को लेकर के आएगा, फिर इसमें नंबर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर लेटर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। 3 टाइप से सजा धजा रहता है। एसएससी के लिए तो समझिए आत्मा है ये सब चैप्टर, और यहाँ से क्वेश्चंस होते ही होते हैं। तो आइए कई प्रश्नों पर आपको कन्फ्यूज कराने का प्रयास करते हैं, मुझे मजा लगेगा, थोड़ा मैं हंसूंगा आज की क्लास में। कारण इसलिए है क्योंकि आप बहुत बुरी तरह से पजल होने जा रहे हैं, क्योंकि आपको एकदम मैंने पहले ही कहा कि वर्ड क्लासिफिकेशन मुझे अगर मेरे से कोई पूछे कि सबसे डिफिकल्ट टॉपिक कौन है तो मैं कहता हूँ यही डिफिकल्ट है। देखने में जितने ये आसान होते हैं एक्चुअल में इतने आसान ये नहीं होते हैं। आइए बहुत बहुत स्वागत करते हैं छात्रगण, नेक्स्ट ये अलग एग्जाम्पल करवाते हैं, आगे की ओर लेके चलते हैं। तो छात्रगण क्लासिफिकेशन के कई प्रश्नों पर आपका स्वागत कर रहे हैं। आपको मैंने पहले ही इंट्रोडक्शन क्लास में भी जस्ट डाला है कि क्लासिफिकेशन है क्या, है ना। आइए अब कुछ लगभग 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं टाइप 1 के तहत। ये वर्ड क्लासिफिकेशन होगा, फिर लेटर क्लासिफिकेशन, फिर सबसे लास्ट में चलेंगे नंबर क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। तो चलिए क्लासिफिकेशन के इस पड़ाव पर देख रहे हैं आप। सबसे पहला ऑप्शन दे रहा है आपका नेता है, मुखिया है, किरानी है, साधु है, और आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्शन जो होगा वो इसमें नहीं होगा, नेता, मुखिया, किरानी और साधु। सिंपली आप इसका जवाब दे सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेता, मुखिया और साधु, इनके लिए ये बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन किरानी जिसको क्लर्क कहा जाता है इंग्लिश में, ये बनने के लिए एक निश्चित और सर्टेन क्वालिफिकेशन जरूरी है, अर्थात आंसर कौन हो गया किरानी। समझ में आ गया अच्छी तरह से। फिर है पर्दासीन, गायब, मृत्यु, खो जाना, क्या कहना है, आप अपना उत्तर दे दीजिए, आप अपना उत्तर दीजिए फटाक से। अगर आप दे दिए हैं तो फिर मैं आपको जवाब दूं। देखिए पर्दासीन मतलब क्या है, पर्दा में रहेगा, कोई ना कोई है। गायब मतलब चलो गायब हुआ है, मरा नहीं है, मतलब पॉजिटिव है। खो
खो जाना मतलब क्या होता है, कहीं खो जाना, गायब हो जाना एक ही बात है। मृत्यु होने के बाद व्यक्ति कभी वापस नहीं लौट सकता है। तो एकदम से यहाँ पर गायब होने के बाद ढूंढा जा सकता है, खो जाने के बाद ढूंढा जा सकता है। तो करेक्ट आंसर इज मृत्यु। नेक्स्ट है पनीर, मक्खन, दही, दूध। ये तो पकड़ लिए होंगे आप, पनीर भी, मक्खन भी, दही भी, सब किससे बनते हैं? दूध से। लेकिन दूध किससे बनता है? तो जवाब आप मौन हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका जल, हवा, वृक्ष और घर। जल, हवा और वृक्ष, ये तीनों चीज आपका क्या है? नेचुरल चीज है, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा? घर। ठीक है ना। नेक्स्ट में चलेंगे नीम, महुआ, बरगद और अलसी। चलिए आप अपना आंसर दीजिए। चलिए कमान कमान कमान। नीम, महुआ, बरगद और अलसी, इन चारों में से कौन जो है इस ग्रुप में शामिल नहीं होगा? बातें कीजिए मेरे साथ में चैंपियन। नीम, महुआ, बरगद और अलसी में आप देख पा रहे हैं कि देखिए कितना जबरदस्त ये क्वेश्चन है। नीम के फलों से तेल निकाला जा सकता है, महुआ का भी तेल होता है, तीसी का तेल, तो अलसी वही तीसी हुआ, ये तो आप जानते हैं। लेकिन बरगद से क्या तेल निकलता है? नहीं निकलता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर कौन हुआ? बरगद। कितना घुसा हुआ क्वेश्चन है ये, आप इसकी कल्पना कर लीजिए। इसलिए मैं पहले ही कहता हूँ कि जो क्लासिफिकेशन चैप्टर है अपने आप में एक दिलचस्प चैप्टर है, बड़ा गजब का कंसेप्ट है इसके अंतर्गत में। फिर आपका तिल है, सरसों है, अलसी है, मूंग है। हम जानते हैं तिल का तेल होता है, सरसों का तेल होता है, अलसी का तेल होता है, लेकिन मूंग का कोई तेल नहीं होता, मूंग की दाल होती है। तो अलग कौन हो गया? मूंग अलग हो गया। नेक्स्ट है आपका मूंगफली, अरहर, मसूर और चना। अरहर की दाल, मसूर की दाल, चने की दाल, मूंगफली की दाल तो नहीं होती। महुआ, जौ, चावल, अलसी, देखिए ये भी बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्या मारिएगा बताइए तो हमको? महुआ, जौ, चावल और अलसी, क्या चीज़ आपका इसमें अलग होगा? महुआ से भी तेल निकलता है, उसके बाद आपका जौ से तो नहीं निकलता है, जौ, चावल, अलसी, तेल। देखिए इसका आंसर होगा नंबर डी, अलसी। महुआ से दारू बनाया जा सकता है, जौ से दारू बनाया जा सकता है, चावल से भी दारू बनाया जा सकता है, बनता है ना चावल से, आप देखे होंगे उसको, लोग बोलता है रोड के किनारे जो बेचता है चावल से, क्या तो इसका एक नाम है जिसको लोग क्या बोला जाता है इसको, चावल से जो बना करके बेचता है, माड़ी, माड़ी, ये माड़ी आप देखिएगा कि रोड के किनारे जो है इसको बेचा जाता है। तो महुआ, जौ और चावल, इन तीनों से शराब बनाए जा सकते हैं, लेकिन अलसी से शराब नहीं बनते हैं, अलसी के तेल होते हैं। नेक्स्ट है आपका महुआ, जामुन, आम और कटहल। एकदम से महुआ अलग होगा क्योंकि इसके शराब बनते हैं, बाकी इनमें से तीनों में से किसी का भी शराब नहीं बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरता, खूबसूरती, मनमोहकता और अच्छाई। देखिए जब हम सुंदरता की बात करते हैं तो हम किसी व्यक्ति के चरित्र का अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं। खूबसूरती है, चरित्र की बात नहीं बोल रहा है, अच्छाई चरित्र, लेकिन मनमोहकता मतलब क्या? जो मन को मोहने वाला है, अर्थात उसके चरित्र के बारे में बात हो रही है। तो बहुत क्लोज ऑप्शन लगता है मनमोहकता का। नेक्स्ट है आपकी हसरत है, इच्छा है, असफलता है, आशा है। मुझे कुछ हसरत है, पॉजिटिव बात है, मुझे कुछ इच्छा है, पॉजिटिव बात है, आशा, सब लगभग एक जैसी बातें हैं, लेकिन असफलता तो एकदम से नेगेटिव बातें हैं, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आगे है समूह है, टीम है, झुंड है, मेला है। आप देख लीजिए समूह में क्या व्यक्तियों की संख्या निश्चित होती है, झुंड में व्यक्तियों की संख्या निश्चित होती है, मेला में व्यक्तियों की संख्या निश्चित होती है? आपका आंसर होगा बिल्कुल नहीं, तो बात है। लेकिन टीम में, किसी भी टीम में, चाहे वो क्रिकेट का टीम हो, फुटबॉल का टीम हो, बैडमिंटन का टीम हो, खिलाड़ियों की संख्या निश्चित होती है, अर्थात ये निश्चिंता का बोधक है, बाकी सभी भीड़ के बोधक हैं, अर्थात यहाँ से ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरानी है, दफ्तरी है, समाज सेवी है और अफसर है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि दफ्तरी, समाज सेवी, सॉरी दफ्तरी, किरानी और अफसर, ये सभी सरकारी कर्मचारी हैं और पढ़े लिखे होते हैं, मतलब पढ़े लिखे इन द सेंस इनका कुछ क्वालिफिकेशन भी निर्धारित है, लेकिन समाज सेवी के लिए कोई क्वालिफिकेशन निर्धारित नहीं है और ये सरकारी कर्मचारी भी नहीं है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, बांसुरी है, गिटार है, सारंगी है और सहनाई है। क्या कहेंगे आप? कुछ भी आप नहीं कहेंगे। देख लीजिए आंसर होगा बांसुरी। गिटार, एक तार उसमें रहता है, तार, बांसुरी का है अलग हुआ ये समझा रहे हैं। सारंगी में तो पूरा तार से ही होता है, आपने देखा ही होगा। सहनाई में देखिएगा, सहनाई जो बजता है उसके ऊपर में भी एक तारनुमा होता है, आप सहनाई गौर से देखिएगा, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। लेकिन बांसुरी में किसी प्रकार का कोई भी तार नहीं होता है, सिंपली एक लकड़ी का एक लंबा सा डंडा है जिसको हम लोग बजाने का काम करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज बांसुरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में 15 नंबर में, टंगस्टन है, पीतल है, कांसा है, ड्यूरेलियम है। देखिए पीतल बर्तन बनता है, कांसा बर्तन बनता है, ड्यूरेलियम हवाई जहाज के बाहरी आवरण बनता है, ये सभी एलॉय हैं। एलॉय का मतलब होता है मिश्र धातु,
लेकिन टंगस्टन अपने आप में एक धातु है जिसका संकेत W होता है, अर्थात यहाँ से टंगस्टन क्या हो गया, अलग हो गया। देखिए कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे होते हैं छात्रगण जहाँ आपको थोड़े से नॉलेज की आवश्यकता होती है, थोड़ा सा आपको नॉलेज लगाने की ज़रूरत होती है, अन्यथा अन्य सभी क्वेश्चन जो है आपके व्यवहारिक जीवन, आपके वैचारिक जीवन, आज तक अपने जीवन में बचपन से लेकर अभी तक में क्या सीखा है उसी पर बेस्ड होता है, उसी पर आधारित होता है। तो आज की क्लास, आज की ये टाइप नंबर 1 की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आइए अब आपको आगे की ओर लेके चलते हैं जहां टाइप नंबर 2 पर आपका प्रवेश करा रहे हैं, और टाइप नंबर 2 लेटर क्लासिफिकेशन लेके खड़ा है जो कि अपने आप में बहुत बहुत दिलचस्प है। आइए स्वागत करते हैं लेटर क्लासिफिकेशन पे। छात्रगण क्लासिफिकेशन के टाइप नंबर 2 पर आपका स्वागत कर रहे हैं, और आप टाइप नंबर 2 पर आपको लेकर के चल रहे हैं। पूरी कहानी टाइप 2 की क्या है ये आपको समझने का प्रयास करना चाहिए। देखिए जब हम टाइप 2 की बातें करते हैं तो कई सारे लेटर क्लासिफिकेशन हमारे साथ खड़ा है। क्लासिफिकेशन में लेटर क्लासिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोडिंग डिकोडिंग के टाइप पर ही बेस किया हुआ है। कुछ क्वेश्चन तो बस वही हैं, ये 8 बढ़ रहा है तो 9 बढ़ेगा, तो या 7 बढ़ रहा है, सेम कहानी जो कोडिंग डिकोडिंग और एनालॉगी में कहें आपके साथ में। कुछ एक क्वेश्चन इसमें बहुत ही अटपटे होते हैं, उसे ध्यान देने की आवश्यकता है। एसएससी की तैयारी कर रहे बच्चे विशेष रूप से ऐसे प्रश्नों को देखें, चूँकि उनके लिए परीक्षाएँ के क्वेश्चन उनके लिए क्वेश्चन जो हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। देखिए कहानी, पहला क्वेश्चन क्या है, MNWOPYJKTGHO, इसको पकड़ने का प्रयास करेंगे। अब देखिए बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें आपका क्या होगा, भावेल बेस क्वेश्चन होंगे, किसी में डबल लेटर रिपीट होगा, ये सब चीज़ भी ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। जब वैसा नहीं मिले तो फिर हम लोग को और अन्य दिमाग लगाना है। अब देखिए इसमें कुछ भी, जैसे मान्य बोलेंगे इसमें भावेल है तो इसमें भी तो भावेल है, लेकिन दोनों में भावेल नहीं तो अलग आप नहीं कर सकते हैं। तो फिर उसके लिए फिर क्या है, फिर हम लोग सीरीज चलेंगे। देखिए एम से एन कितना लीटर बढ़ा है, 1 लीटर। एन से डब्ल्यू ये 14 है, ये 23 है, कितना लीटर बढ़ेगा, 1 लीटर, 9 लीटर। यानी पहले से दूसरे लीटर जाने में हम 1 लीटर जंप करते हैं, और दूसरे से तीसरे लीटर जाने में हम 9 लीटर जंप कर रहे हैं। ठीक, देखते हैं और किस में ये फॉलो हुआ है, ओ से लेकर के पी प्लस 1 लीटर, और पी से लेकर हुआ ये 16 है, ये 25, यहाँ भी 9 लीटर। ठीक है ना, पहला से एक में 9, फिर 9, फिर यहाँ आ जाते हैं जे के प्लस 1, के 11 है टी बी से, यहाँ भी 9 लीटर जंप करता है। अब इसमें यह फॉलो नहीं हुआ होगा, जी का एच प्लस 1 है और एच का 8 है, ओ का 15, यहाँ 7 ही लेटर जंप कर रहा है, अर्थात डी नंबर मेरा ऑप्शन यहाँ क्या हो गया, अलग हो गया। तो इन प्रश्नों पे ये देखने का प्रयास किया जाना चाहिए छात्रगण कि किस आधार पर प्रश्न बढ़ते हुए नजर आते हैं और कैसे सेट किए गए हैं। हम कई पड़ाव पर आज आपको लेकर के चलेंगे जहाँ पे कई सारे दिलचस्प क्वेश्चन आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, देखिए आप यहाँ पर आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, PRWCBJEFGLMH। अब देखिए EFG ये लगातार लेटर दिया हुआ है, इन किसी में ये लगातार लेटर है नहीं है, तो एकदम बिल्कुल अलग होगा। जो आपको जरा सा भी लगे कि हाँ यहाँ से ये अलग होने वाला है, ये क्यों अलग नहीं होगा, ये अपने आप में आप तर्क कीजिए, ये लॉजिकल तर्क की बात होगी छात्रगण, लॉजिकल रीजनिंग की बात होगी कि आप अपने आप में तर्क कर दीजिए कि भाई ये काहे नहीं हो सकता है, तो फिर वो बहुत आसानी से निकल करके आ जाता है, दैट इज द EFG। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, एक्यूज है, ऑपेक है, अज्यूम है, एनिमल है। आप देखिए इतना लंबा लंबा क्वेश्चन में बस वही भावेल वेल वाला कहानी कहेगा। देखिए हैं ए है, ई है, पहला और अंतिम दोनों भावेल है, पहला और अंतिम दोनों भावेल है, पहला और अंतिम दोनों भावेल है, लेकिन पहला और अंतिम भावेल नहीं है, अर्थात यहाँ डी नंबर अलग होगा। देख लीजिए ना कैसे पकड़ा रहा है सारा क्वेश्चन, उसी प्रकार सब उसी प्रकार से पकड़ेंगे। FRY यहाँ एक भी भावेल नहीं है, यहाँ एक भावेल है, एक भावेल है, एक भावेल है, यहाँ एक भी भावेल नहीं है, तो क्यों नहीं पकड़ेंगे हम, एकदम सिंपल मेरे पास कहानी है। नेक्स्ट में है यहाँ देख लीजिए, पहला भावेल, पहला और अंतिम दोनों भावेल है, पहला अंतिम भी छोड़ दिए तो एक और एक दो भावेल, 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 भावेल वाला से नहीं पकड़ाया ये। ठीक है ना, आप देखेंगे यहाँ पर और क्या है, कहीं भी दो भावेल सेट है, चाहे पहला या अंतिम, कहीं वो पकड़ाएगा नहीं। ऐसा मत पकड़ लीजिएगा कि सर यहाँ पर पहला और लास्ट वाला भावेल है, बाकी पहला और लास्ट में नहीं, वो सब नहीं होता है। दो दो भावेल हो गया, पहला और ये लास्ट दो भावेल हो गया। अब देखिए क्या पकड़ेंगे, यहाँ पर एक लीटर दो बार रिपीट हो रहा है, अपर में आप देखिए एक लीटर आपको दो बार रिपीट कर रहा है, तो ज़्यादा क्लोज आंसर कौन हो गया मेरा, अपर। तो करेक्ट आंसर मेरा क्या हो गया, डी, UPPER, जिसको हम बोलते हैं अपर। क्लियर हो गया, नेक्स्ट चलेंगे, टीम है, दैन है, टाटा है, फाइल है। देखिए फिर देखिए भावेल देखते हैं, सबसे पहले ई ए दो भावेल, एक भावेल,
एक भावेल, दो भावेल, दो भावेल, यानी कहानी खत्म। यहाँ पर एक भावेल है, यहाँ पर तो एक ही भावेल है ना, यहाँ पर सब में दो भावेल हुआ है। ई ए एक भावेल है, फिर एक भावेल है आपका, वहाँ पर एक भावेल है, यहाँ पर दो भावेल है, फिर एक भावेल है, तो फिर वो गड़बड़ा गया आपके पास में। वो यहाँ पर दो भावेल, यहाँ पर भी दो भावेल, यहाँ पर भी दो भावेल, लेकिन सवाल ही अरे यहाँ एक भावेल। लेकिन देखिए आप गौर करिए, जहाँ दो भावेल यूज हो रहा है दोनों अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर जो दो भावेल यूज किया गया है वो दोनों सेम सेम है, ताकि और साथ ही साथ दोनों लेटर भी यहाँ पर सेम है, टी ए टी ए, दोनों लेटर यहाँ पर सेम है, ज़्यादा क्लोज आंसर लग रहा है टाटा को लेकर के। इसलिए चूंकि एक ही लेटर वहाँ पर दो बार डबल रिपीट किया है, सो द करेक्ट आंसर इज टी ए टी ए। पॉइंट क्लियर हुआ अच्छी तरह से। चलिए नेक्स्ट में ये है आपका, अब यहाँ फिर वही काम करेंगे, फिर इसमें देखेंगे क्या चीज़ है। ए आई दो भावेल, ओ आई ओ तीन भावेल, एक दो तीन भावेल, एक दो तीन भावेल, और वहाँ दो भावेल, और यहाँ पर कौन भावेल, यहाँ कितना भावेल हुआ था, दो भावेल ए और आई, और सब में तीन तीन भावेल है। लेकिन फिर एक यहाँ पर पकड़िए कि जो दो भावेल यहाँ पर यूज किया गया है वो देख लीजिए, ई और ई, ये दोनों भावेल जो यूज़ किए गए हैं, तो वहाँ से मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा जो है यहाँ से अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि एक ही भावेल जो है दो बार प्रयोग किया गया है, जबकि ऐसा किसी में भी ये फॉलोअप नहीं किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, ए ई दो भावेल, फिर यहाँ पर एक भावेल ई, फिर यहाँ पर ई ई दो भावेल, फिर यहाँ पर एक भावेल, अब फिर यहाँ पर सी आंसर होगा, चूंकि एक ही भावेल दो बार प्रयोग किया गया। जब इन स्थितियों से आप निकल जाए, जब आप देख लें कि भावेल वाला कंसेप्ट अब मेरा नहीं आ रहा है, कॉन्सोनेंट वाला भी कंसेप्ट नहीं है, तब वैसी स्थिति में छात्रगण जो पहला क्वेश्चन आपको बताए उस आधार पर आपको मूव करना है, ठीक है ना। तो दो ही पड़ाव पर आपको हम इस पूरे चैप्टर पर लेकर के चलेंगे, चाहे तो भावेल पकड़िए, डबल भावेल रिपीट पकड़ रहा है, डबल लेटर रिपीट कर रहा है, उसके आधार पर क्लासिफिकेशन, लेटर क्लासिफिकेशन को पकड़िए, या नहीं तो इसका दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, और वो है कि भाई आप जो है एक पूरी सीरीज में जो है वो नंबर सिस्टम पर आगे बढ़ जाइए, जो ये चला था। आइए अभी आपको और कई प्रश्न पर लेके चलते हैं, जहां पर ऐसे पड़ाव पर आपका काम करवा देते हैं। आइए आगे की ओर लेके चलते हैं, अगले प्रश्न पर हैं छात्र के नाम के साथ में, और उसको लेकर के चलते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है के एम पी टी जेड डी एफ आई एम आर सी ई डी ई बी ओ एल डी, देख लेते हैं इसको, ठीक है ना। ठीक है, पहला क्वेश्चन है के एम पी टी जेड, आइए देखते हैं क्या कहानी है इसमें, है ना। के से लेकर के एम तक ये 11 है, ये 13 है, ठीक है, उसके बाद पी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं क्या कहानी है, के से लेकर जब हम एम तक चलते हैं तो हमको मिलता है ये प्लस दो लीटर बढ़ता है, 11वां लीटर, ये 13वां है, ये कितना है 16वां है, ये 16वां है तीन, हाँ तो ये क्या है, ये है आपका 16वां, तो प्लस तीन, फिर ये 20वां है, तो प्लस चार, फिर ये 26वां है, तो प्लस छः, दो तीन चार छः, ये तो नहीं होना चाहिए, छः नहीं, आपका 26 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, ये है आपका 4, एफ का स्थान 6, 9, 13, 18, यहाँ कितना है 4, 2, 6, 6, 3, 9, 9, 4, 13, 13, 5, 18, देखिए एकदम सीरीज में चल रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5। आगे देखते हैं, सी का 3 है, ई का 5 है, डी का 4 है, ई का 5 है, 3 2 5, 5 में 1 4, फिर 5, 4 1 5, ये भी कहानी जैसे तैसे है, फिर ये क्या है डी 4, 15, 12, 20, तो 4 और 11, 15, 15, वो भी नहीं है, यानी कि यही एक ऐसा है बी नंबर ऑप्शन, जिसमें लगातार संख्याएं दिए हुए हैं, जो कि एक निश्चित रूप से सीरीज को पकड़ रहा है मेरा, तो डी एफ आई एम आर एक सीरीज को पकड़ रहा है। एक और देख सकते हैं, है ना, कि एक और कहानी चल सकता है, एक तो ये पकड़ा रहा है, दूसरा ये है कि के से एम चलते हैं कितना चलता है, तो के 11 और 13, यहाँ से यहाँ कितना घर गया, 2 घर गया। एम से लेकर के जब पी की बात करते हैं, एम से पी की बात, 13 और 3, 16 है, ये कितना घर गया, 3 घर गया। फिर पी से 16, 4, 20, ये कितना घर गया, 4 घर गया। और टी से जेड, ये कितना घर गया, 6 घर। तो 2, 3, 4, 6, ये मेरा चल रहा है, 2, 3, 4 और 6, ये एक चला है। आइए आगे देखते हैं और क्या चलता है, 2, 3, 4, 6, यहाँ भी फिर वही काम करेंगे। एक और ये मिला लेते हैं, डी से लेकर के एफ, ई एफ यानी कितना घर चला है, 2 घर। एफ से आई कितना घर, 3 घर। फिर आई से एम, 9, 4, 4 घर। फिर एम से 18, 13 और 6, 19,
कितना घर हुआ? छः। सेम सीरीज चला है, दो का तीन का चार का छः का, दो का तीन का चार का छः का, सेम चल रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं फिर क्या कहानी चल रहा है। यहाँ पर है सी से ई, तो सी से ई में कितना घर चला है? दो घर। ई से डी में कितना घर चला? माइनस हो गया। देखिए सीरीज गड़बड़ा गया। यहाँ पे आप देख लीजिए, दो तीन चार छः का सीरीज चल रहा है, यहाँ सीरीज एकदम गड़बड़ हो गया। इसमें भी एकदम पक्का वही सीरीज होगा। देख लीजिए, यहाँ चार, यहाँ पंद्रह, डॉल्ट है कि क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहाँ है? ए सी एच जे सी ई डी एफ आई एम आर, उसके बाद ओहो लगता है क्वेश्चन ही कुछ रॉन्ग लिखा गया। हाँ अरे, तो इसमें हम ये देख पा रहे हैं छात्रगण कि के एम पी टी जेड डी एफ आई एम आर और सी ई डी ई और डी ओ एल टी में ये दो ऐसे पड़ाव रहे थे जहाँ पे सेम सीरीज फॉलोअप कर रहा है, प्लस टू प्लस फोर प्लस थ्री प्लस सिक्स, प्लस टू प्लस फोर प्लस थ्री प्लस सिक्स। ये जो दो ऑप्शन यहाँ डाले गए सी ई डी ई डी ओ एल टी, जो इस क्वेश्चन के पार्ट नहीं हो सकते, अर्थात करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में ये दो ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग निकल गए। ठीक है ना, तो इन क्वेश्चनों को लिखने का प्रयास करते हैं और फिर आगे की बातें करते हैं। तो क्वेश्चन लिख लिया हूँ छात्रगण, ऑप्शन लिखने में थोड़ी समस्या हो गई थी। तो ये हमने देखा दो तीन चार छः, दो तीन चार छः पे चल रहा था। आगे देखते हैं, एच का आठ होता है, जे का दस होता है, फिर यहाँ कितना बचा है? दो, दस तीन तेरह, तीन तेरह तीन सोलह, फिर तेरह चार सत्रह, चार और फिर बाईस होता है, सत्रह और छः कितना हो गया? तेरह चार ये पी सत्रह होता है और भी होता है बाईस, तो सत्रह तीन बीस दो बाईस पाँच। अब देखें यहाँ पर कितना हो गया, सत्रह और पाँच बाईस होता है। अब यहाँ पर सीरीज गड़बड़ा गया आपका, यहाँ पर देख लीजिए क्या चल गया, दो तीन चार पाँच, अभी तक चल रहा था दो तीन चार छः का, यहाँ हो गया दो तीन चार पाँच का। अब इसको देख लेते हैं यहाँ क्या चला है, दो तीन, क्योंकि इसका एक है, तीन है, छः है, दस है, पंद्रह, एकदम पूरा अल्फाबेट का जो मैंने सीरीज याद करवाया है आपको कोडिंग डिकोडिंग पे, वो सब एकदम माइंड में रखिएगा, तभी सब चैप्टर पर आ पाएंगे। यहाँ पर छः हो गया, यहाँ चार हो गया, दो तीन चार, और यहाँ पर दस पाँच पंद्रह, फिर दो तीन चार पाँच हो गया, सीरीज फिर गड़बड़ा गया आपका। ए से तीन में दो, सी से एफ में छः होता है, तो तीन, एफ से जे, एफ का छः चार दस, दस पाँच पंद्रह, यहाँ पर ठीक है, दो तीन, दो तीन चार पाँच, एक सेकेंड, फिर क्वेश्चन तो गलत नहीं हो रहा है, दो तीन चार पाँच, दो तीन चार पाँच, दो तीन चार पाँच, ये तो गड़बड़ा नहीं है, डी एफ आई एम आर, डी एफ आई एम आर ठीक है, दो, ओहो देखिए यहाँ गड़बड़ाया हुआ था ना, डी से एफ, यहाँ पर चार है, ये दो छः ठीक है, छः का, एफ से नौ में तीन का है, छः और नौ, ये नौ है और ये तेरह है, नौ चार तेरह, यहाँ पर चार का डिफरेंस है, और एम से तेरह और छः उन्नीस हो जा रहा है, देखिए यहीं गड़बड़ा रहा था ना, आर का पोजीशन अठारह होता है ना, तो यहाँ पाँच होगा ना, तेरह और पाँच अठारह होता है, तो वो पाँच का डिफरेंस जा रहा था, हम लोग छः का किए हुए थे। अब कहानी क्या हो गया यहाँ पर, तब आपका देखिए अब ये बी आंसर नहीं हुआ। अब सीरीज क्या चला मेरा, दो तीन चार पाँच, दो तीन चार पाँच, दो तीन चार पाँच, लेकिन ये सीरीज पकड़ा हुआ है दो तीन चार छः का, तो करेक्ट आंसर इज वन। कहीं कोई दिक्कत, नेक्स्ट क्लास आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, पी एल एच डी एफ एच ई के ओ एम के आई। अब देखिए अब सिंपल आप दिमाग लगाइए, ये 16 है ये 20 है, चार का डिफरेंस हो गया 8, सीरीज खत्म हो गया, उस पर आप जाइएगा मत, सिंपल कहानी एकदम बढ़ जाइएगा। अब बस वही भावेल कॉन्सोनेंट से सारा क्वेश्चन को हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, वो भी देखेंगे अगर नहीं भावेल। अब देखिए भावेल पे देखते हैं, इसमें एक भी भावेल नहीं है, इसमें भी एक भावेल नहीं है, यानी कहानी खत्म, अब आगे देखने का जरूरत नहीं है, यानी जब भावेल नहीं है तो अब मेरे पास यही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसका पोजिशन है 16, इसका पोजिशन है 20, दोनों में डिफरेंस कितना का हो गया, चार का, सॉरी 12 का, यानी कि माइनस चार का, इसका 8 है, फिर कितना, माइनस चार का, माइनस चार माइनस चार, ये चार है ये छः है, प्लस दो ये आठ है, प्लस दो माइनस चार प्लस दो प्लस दो, ये पाँच है ये ग्यारह है, प्लस छः ये है ग्यारह और ये पंद्रह, प्लस पाँच ये तेरह है, ये ग्यारह है, तेरह में ग्यारह गया, माइनस दो ये ग्यारह है, ये नौ है, माइनस दो। देखिए सीरीज 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 एक सर्टन सीरीज है, लेकिन यहाँ देखिए अटपट सीरीज है, तो आंसर कौन हो गया, छः और पाँच हो गया, तो वो सब आपको देख करके इसमें चलना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट में चलेंगे क्यू आर वाई आई पी, फिर भावेल वाला कहानी कहेंगे, भावेल एक भी नहीं है, एक ठो भावेल है, एक भी भावेल नहीं है, एक भी भावेल नहीं, एक तो भावेल है, आंसर हो गया, सिंपल एकदम कहानी कहा कीजिए। फिर आज में आ जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए डबल भावेल, डबल भावेल है, यहाँ पर एक भावेल है,
यहाँ पर भी एक भावेल है, यहाँ पर भी डबल भावेल है। अब तो यानी वो नहीं होगा, कहानी खत्म हो गया। फिर दूसरा दिमाग लगाएंगे कि क्या कर सकते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पर जो डबल भावेल का यूज किया गया है वो बिल्कुल एक जैसे हैं। यहाँ पर जो भावेल है एक ही है, यहाँ पर भी एक भावेल है एकदम एक ही है, यहाँ पर दो भावेल है अलग अलग, लेकिन यहाँ पर सेम भावेल यूज किया गया है। तो एक ये अलग हो सकता है ना? तो करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, फिर देखेंगे यहाँ पर आई और ई। देख लीजिए सब में आई ई भावेल, आई ई भावेल, आई ई भावेल, आई ई, सब में आई ई किया गया, लेकिन आई ई का जो यूज किया गया वो एक साथ किया गया है, लेकिन आई और ई का यूज यहाँ पे अलग अलग किया गया है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट चलेंगे कॉर्डियल का, कॉरियंडर का, कॉर्डेट का और कॉर्निया का। अब यहाँ पर आगे चलेंगे, आगे में क्या हमारा हो जाएगा, कहानी क्या चलेगा यहाँ पर, फिर देखते हैं। यहाँ पर ओ एक भावेल, आई दो भावेल, ए तीन भावेल, है ना? यही नहीं चल रहा है मेरा क्वेश्चन, वही है ना? ठीक है, यही कहानी है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या, यहाँ पे एक भावेल देख रहे हैं, आई ए दो भावेल एकदम एक साथ है, आई ए दो भावेल एक साथ है, फिर यहाँ पर सी ओ आर डी ए टी ई ये अलग अलग है, दूर दूर में है, यहाँ भी दूर दूर में है। क्या दिमाग लगाएंगे? भावेल दो तो मेरा ठीक एक साथ मिल रहा है। यहां पर भी देख लीजिए दो भावेल एकदम साथ साथ हैं, दो भावेल साथ साथ हैं, दो भावेल साथ साथ हैं, दो भावेल साथ साथ हैं, लेकिन यहां का भावेल देख लीजिए गैपिंग मार लिया, इसलिए आंसर कौन हो जाएगा मेरा? सी। कहानी क्लियर हो गया। फिर यहां पे चलेंगे कन्वोक के किस में, यहां पर भी देख लेंगे वही कहानी, यहां पे सी ओ एन वी ओ के ई, सी ओ एन वी ओ एल यू टी ई कन्वुलेट। अब यहां पर हम देखेंगे क्या कहानी चल रहा है, यहां पे है क्वेश्चन ठीक है ना, यहाँ पे है ओ और ई, यहाँ पर है यू और ई, यहाँ पर है, यहाँ पर है ओ और ई, यहाँ पर है आई और ए। भावेल तो है, अब भावेल देख लीजिए यहाँ पर कितना भावेल है, एक दो तीन भावेल, एक दो तीन चार भावेल, एक दो तीन भावेल, एक दो तीन चार भावेल, यानी कि भावेल की संख्या पर तो अलग हम लोग नहीं कर सकते हैं। कहानी क्लियर हो गया। अब क्या चलेंगे तब, जब भावेल की संख्या पर नहीं कर सकते हैं तो फिर कहानी क्या होगा? अब कहानी दूसरा कहेंगे, अब करीब करीब देखेंगे भावेल को, भावेल को करीब ही देखेंगे कौन भावेल कितना करीब है। ओ और ई के बीच में एक लीटर है, हाँ ठीक है, यहाँ पर, यहाँ पर इन दो भावेल के बीच में दो लीटर है, इस दो भावेल के बीच में एक लीटर है, दोनों एकदम सेम जैसा हो गया। फिर इन दो भावेल के बीच में दो लीटर है, इस दो भावेल के बीच में दो लीटर है, यहाँ पर चलेगा वो भी, इन दो भावेल के बीच में दो लीटर है, इन दो भावेल के बीच में एक लीटर है, और यहाँ देख लीजिए एक जो दो भावेल है आई और ए वो बिल्कुल एक साथ प्रयोग हुआ है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। बाकी सभी में दूरी बनाए हुए हैं भावेल लेकर के, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये सब, बहुत ध्यान से पढ़िए। वहाँ पर देख लीजिए कि दो जो भावेल का यूज किया गया वो बिल्कुल एक साथ किया गया है, बाकी सभी में अलग अलग किया गया है, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, फिर इसमें भी वही चीज़ देखेंगे, सी आर वाई एक भी भावेल नहीं, एक भावेल, एक भी भावेल नहीं, एक भी भावेल नहीं, यानी कि एक भावेल लिए हुए ये हो जाएगा। नेक्स्ट में हो जाएगा यहाँ पर आपका एक भावेल, यहाँ पर भावेल की संख्या कितनी हो जा रही है, क्वेश्चन देखने दीजिए हमको पहले, हाँ ठीक है देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है ना, हाँ भावेल देख लेते हैं, काउंट कर लेते हैं, एक भावेल दो भावेल तीन भावेल, यहाँ पर एक भावेल दो भावेल तीन भावेल, यहाँ पर एक भावेल दो भावेल तीन भावेल चार भावेल, एक भावेल दो भावेल तीन भावेल, तीन तीन भावेल देख लीजिए, यहाँ पर है मेरा एक दो तीन भावेल, यहाँ पर मेरा एक दो तीन भावेल, एक दो तीन भावेल, यहाँ देखिए एक दो तीन और एक चार भावेल, तो आंसर क्या हो जाएगा नंबर सी। काउंटिंग ऑफ द भावेल्स नंबर विल आल्सो द क्लासिफिकेशन पार्ट एंड पार्सल्स। तो वी कैन सी इन दिस चैप्टर डियर फ्रेंड्स, इन द क्लासिफिकेशन चैप्टर व्हाट वी सी, द क्वेश्चन इज सेट अप अकॉर्डिंग टू द भावेल एस्पेक्ट्स, एंड नॉट ओनली द भावेल एस्पेक्ट्स बट आल्सो द क्वेश्चन इज सेट अप अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ द लेटर्स एंड डिक्रीजिंग नंबर ऑफ द लेटर्स। व्हाट वी विल हैव टू डू इज जस्ट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस, व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट, and just correlate the questions, just I am saying ki just correlate the questions, what is the questions, what are the question is asking about, and that is the actual concept and actual answer of the given questions.
उम्मीद करते हैं छात्रगण कि आपने इस क्लासिफिकेशन को बहुत ही बखूबी से समझने का प्रयास किया होगा। छात्रगण, आप एक एक प्रश्न के गैपिंग के अंदाज को आप देख पा रहे होंगे और इस गैपिंग पे किस प्रकार से आप काम कर पा रहे होंगे इसकी भी कल्पना आपने प्रस्तुतिकरण की होगी। तो आज की क्लास हम सब यहीं पर समाप्त करेंगे। कल की क्लास में आपको नंबर क्लासिफिकेशन पर लेकर के चल रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक होगा कल की क्लास में और उसकी बातें हम सब आपके साथ में करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सबक खैर, कहीं भी रहिए, खुश रहिए, बहुत ही मज़े में रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।